हेलो एवरीवन, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए और कई स्टूडेंट के यूट्यूब पे भी कमेंट आए थे कि अभी वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन अभी एग्जाम होंगे या नहीं होंगे उसमें अनसर्टेनिटी है। एंड एज यू नो कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है, तो उन सब के कारण क्या वो लोग अभी एग्जाम होंगे नहीं होंगे इस अनसर्टेनिटी में वो आप लोग स्टूडेंट्स जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मेरे पास काफी मैसेज आए थे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। एंड आई एम श्योर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास क्लैरिटी आएगी एंड यू विल बी मोर एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, तो देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है या टेंशन होती है ये कहाँ से आता है। इज एवरीथिंग इज जनरेटेड बाय अस ओनली, मतलब हम खुद से जनरेट करते हैं। देखो, अब एग्जाम होंगे नहीं होंगे ये डिसीजन किसके पास है? ये डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट आईसीएआई के पास है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो डिसीजन इज विद देम, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट फिर भी हम चिंता करते हैं, हम उसकी टेंशन ले रहे हैं। और वो टेंशन क्यों क्रिएट होती है? ये टेंशन क्रिएट होती है हमारे आसपास के एनवायरमेंट से। हम सोशल मीडिया जब भी चेक करते हो, फेसबुक चेक कर रहे हो या आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो या आप यूट्यूब चेक कर रहे हो, तो उसमें हर बार यही अपडेट आता है कि हियरिंग का डिटेल्ड अपडेट आ रहा है और फिर आप उसको पढ़ने लग जाते हो या कोई वीडियो देखते हो उसमें भी वो पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, आईसीएआई ने ऐसा कहा। तो जब आप हर घंटे या हर दो घंटे में वो चीज देख रहे हो तो क्या होता है, वो आपके दिमाग में चल जाती है, वो आपके बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाती है और फिर जब आप पढ़ाई करने लगते हो तो आपके दिमाग में वही चीज चलने लगती है। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है वो क्या है? क्योंकि आप बार बार उसको देख रहे हो, बार बार आप सोशल मीडिया देख रहे हो, सेम वही चीज आप बार बार देख रहे हो, उसके बारे में आप वीडियो देख रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसके बारे में बात कर रहे हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन को, सबसे उस टेंशन को दूर करने का सबसे पहला यही तरीका है, यू शुड शट डाउन ऑल दिस थिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, बट आपको उससे मतलब नहीं कि आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्पॉन्स दिया। उस हियरिंग को पढ़ के उसके बारे में डिस्कस करके आपको क्या मिलेगा? व्हाट यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इज द आउटकम, कि डिसीजन क्या आ रहा है, कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट्स द थिंग यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट। उसके डिटेल में जाके 5 मिनट में, हर 5 मिनट के अपडेट को देख के क्या फायदा? तो ये जो छोटी छोटी चीज है ना कि आप हर 1 घंटे में देख रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो उसी चीज के बारे में, वो ही आपका डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। और जब वो डिस्ट्रैक्शन होता है फिर ऑटोमेटिकली आपको टेंशन होना शुरू हो जाता है। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये डेली अपडेट चेक करना बंद करो और बार बार आवरली स्पेशली हर बार चेक करना बंद करो। अगर आपको पता ही करना है तो आप दिन में एक टाइम फिक्स करो, स्पेशली सोने से पहले आप उसको चेक करो कि क्या अपडेट है। क्योंकि देखो, अपडेट ऐसा तो है नहीं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले हाथों हाथ आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा लेट भी पता चलेगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर आप सुबह सुबह चेक करोगे तो आप पूरे दिन आपके वही दिमाग में चलता रहेगा। तो प्लीज प्लीज शट डाउन ऑल दिस थिंग। आर्ली अपडेट चेक करना या 2 आर्ली 3 घंटे में वो चेक करना बंद करो। ओके, एक टाइम डिसाइड करो, स्पेशली नाइट, उस टाइम में आप चेक करो। ओके, क्योंकि जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगे, जितना डिस्कस करोगे वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा और जब आप फोकस करने लगोगे स्टडी पे तो वही चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो ये चीज है। और पहली चीज में जब यही है कि जब डिसीजन आपके हाथ में नहीं है तो आप उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, उसका इम्पैक्ट हम पे आएगा, वो ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट जब आपके हाथ में डिसीजन है ही नहीं हो तो उसके बारे में चिंता करने का क्या फायदा? आपको उसी के बारे में चिंता करनी चाहिए जो चीज आपके हाथ में है। और आपके हाथ में भी क्या है? आपके हाथ में भी टाइम है, आपके हाथ में भी पढ़ाई करना है, तो उन पे तो आप फोकस कर नहीं रहे। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप चिंता कर रहे हो। सो बेटर यू शुड फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच आर इन योर हैंड। तो अभी आप टाइम मैनेज करो और पढ़ाई पे फोकस करो, दैट्स द वन थिंग। ओके, सो फोकस ऑन दोस थिंग्स व्हिच आर इन योर हैंड। ओके, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स से बोल रहे हैं कि सर हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमने एग्जाम के लिए पढ़ाई की और फिर अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो ये सोच के हमें टेंशन हो रहा है। तो वो चीज के बारे में सोच के आप अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? ओके, पहली चीज, अगर पोस्टपोन होते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप पे इम्पैक्ट होगा, जो भी इम्पैक्ट होगा सब पे होगा। तो जो चीज सब पे अप्लीकेबल होगी तो उसके लिए आप स्पेशली चिंता करके क्या करोगे? उसके बारे में चिंता करके, उसके बारे में सोच के आप अभी आज का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जो होना है वो सबके साथ होगा, यू आर नॉट स्पेशल। ऐसा नहीं कि आपके लिए पोस्टपोन हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, थिंक इन द पॉजिटिव वे। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, देखो ऐसा तो नहीं है कि आपने जो तैयारी की उसका कोई यूज नहीं है। ओके, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाए तो आपके जो भी पढ़ा है वो भूल जाओगे, वो आपके दिमाग में रहेगा और वो आगे आने वाले एग्जाम में काम में आएगा। ओके, ये सोचो कि जो टॉपिक आपने छोड़ दिए थे, जो आपने टॉपिक वीक, जिसमें आप वीक हो, उनको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। ये पॉजिटिव ढंग से सोचो, अगर आपके एग्जाम पोस्टपोन भी होते हैं तो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा टाइम।
टू प्रिपेयर ऑल दोस वीक टॉपिक। तो अगर आपके अभी 80% तैयारी है तो नवंबर एग्जाम आते आते आपकी 90-95% तैयारी हो जाएगी। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि और एक ओके एक और इम्पोर्टेंट चीज, किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली सीए एग्जाम के लिए या सीएस प्रोफेशनल एग्जाम के लिए लास्ट का एक महीना जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इस लास्ट के एक महीने में आप प्लान कैसे करते हो, एग्जाम के जो एक महीना होता है पहले वाला उसमें आप प्लान कैसे करते हो, उसमें आप तैयारी प्लान कैसे करते हो और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, तैयारी कैसे करते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट सबसे ये, अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होते हैं तो प्लीज प्लीज जो एक महीने का आपका प्लान है उसको पूरा फॉलो करो, उसी इंटेंसिटी से पढ़ाई करो जिस इंटेंसिटी से आप करते अगर आपके एग्जाम होंगे तो। ओके, क्योंकि ये जो आप इस इंटेंसिटी से अभी पढ़ाई करोगे और जो प्लानिंग करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ये आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा नवंबर में उसमें बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा हाँ एक महीने में इस तरह से तैयारी करनी है और इस तरह से मैंने तैयारी की थी, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव मिले थे। तो इवन एग्जाम पोस्टपोन भी होते हैं तो आप तैयारी उसी ढंग से करो इस एक महीने में, ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम है और ये जो प्रिपरेशन है एक महीने की आपके बहुत बहुत काम में आएगी जब आप नवंबर में एग्जाम दोगे। उस टाइम आपको पता होगा कि मुझे क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी थी, कैसे करनी है और पिछले जो आप ये जो अभी तैयारी कर रही हो इसके जो सीख जो आपको मिलेगी वो आगे आने वाले एग्जाम में काम में आएगी। ओके, तो अगर पोस्टपोन भी होते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो होगा सबके साथ होगा, आपकी तैयारी और बेटर होगी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, और ये जो एक महीना है उसको आप उसी इंटेंसिटी से पढ़ाई करो जिस इंटेंसिटी आप करते अगर आपके एग्जाम होते। तो पोस्टपोन भी हो गया तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल पॉजिटिव फॉर यू। ओके, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए तो अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं तो ऑब्वियसली एग्जाम होंगे और एग्जाम होंगे तो आपको आप दोगे, एग्जाम देने से तभी तो आपने फॉर्म भरा, आपने फॉर्म क्यों भरा था, क्योंकि आपको एग्जाम देने थे और एग्जाम देने थे और अगर एग्जाम हो रहे हो तो उसमें आपकी क्या चिंता है। ओके, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था आपको पता था एग्जाम देने हैं। ओके, तो आपने प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी और अगर आपको ये चिंता है कि सर मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है तो पहली चीज तो आपके पास ऑप्ट आउट का ऑप्शन है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो अभी भी आपके पास टाइम है तो उसमें आप ये सब डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्ट होके अपनी पढ़ाई को क्यों खराब कर रहे हो। जो आपके पास 20 प्लस डेज अभी हैं उनको अच्छे से फोकस करो ना, उन पे अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करो। तो अगर एग्जाम होते भी है तो यूटिलाइज दिस, तो उस टाइम तो और भी क्रिटिकल हो जाता है ये दिन को यूटिलाइज करना। ओके, तो अगर पोस्टपोन होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फॉर यू। अगर होते हैं तो वो तो वैसे भी होने ही थे, इसीलिए तो आपने एग्जाम का फॉर्म भरा था, तो उसके बारे में क्यों चिंता करना अगर हो रहे हैं तो। ओके, तो जस्ट मैं समराइज करूंगा, तो पहली चीज तो दिस डिसीजन इज नॉट इन योर हैंड्स। ओके, तो उसके बारे में सोच के, उसके बारे में पढ़ के, उसके बारे में डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। जितना आप उसमें वेस्ट करोगे उतना ही आप अपने दिमाग में वही चीज आप एंटर करते रहोगे और पढ़ते टाइम वही चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। शट डाउन ऑल दोस थिंग्स, एक ही बार आप दिन में अपडेट चेक करो, दैट टू बिफोर गोइंग टू स्लीप। ओके, थोड़ा सा लेट पता चलेगा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ओके, तो पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे उसके टेंशन है तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल पॉजिटिव, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और ये है आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है, एग्जाम इंटेंसिव वे में प्रिपरेशन करने की प्रैक्टिस हो रही है, सो दैट्स वन मोर पॉजिटिव फॉर यू। ओके, और तीसरी चीज, अगर ऐसा लगता है कि एग्जाम होंगे तो एग्जाम होंगे इसलिए तुमने फॉर्म भरा था, इसलिए तो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, राइट, तो एग्जाम हो रहे हैं फिर उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। सो कुल मिला के उन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, ऑब्वियसली द डिसीजन इज नॉट योर हैंड इन योर हैंड, जब डिसीजन आएगा आपको पता चलेगा, बट अभी प्रिपरेशन वैसे ही करो जैसे आप एग्जाम है वो मान के चलो, नहीं होते हैं तो ठीक है आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो ओके, सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।